सर्वसमिका व त्रिकोणमितीय समीकरण। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा के आपस में संबंध को जाना है। इन संबंधों में हमने एक संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन देखा है। यह संबंध थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे संबंध को जो कोण के रूप में दिए गए चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहा जाता है। तब क्या संबंध साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन भी एक सर्वसमिका है? आइए देखें। सर्वसमिका व त्रिकोणमितीय समीकरण। हम यहाँ एक त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध ले रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। हमें यह चेक करना है कि यह जो संबंध है क्या यह सर्वसमिका है। यदि थीटा के सभी मानों के लिए यह संबंध सत्य हुआ तो यह एक सर्वसमिका होगी, परंतु यदि थीटा का एक भी मान ऐसा मिला जिसके लिए यह संबंध सत्य नहीं है तो यह एक सर्वसमिका नहीं होगी। चलिए करके देखते हैं। हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेकर चलते हैं। इस संबंध में हम थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो हमें मिलेगा, हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं, साइन थीटा के स्थान पर 0 डिग्री प्लस कॉस थीटा के स्थान पर 0 डिग्री। बाएं पक्ष में हमने इसका मान रखा है। अब देखिए साइन 0 डिग्री, हम जानते हैं चूँकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 0 डिग्री जो होती है उसका मान होता है 1। त्रिकोणमितीय सारणी जो है उससे आप त्रिकोणमितीय जो सारणी है वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो हम इसका मान रख लें, साइन 0 डिग्री का मान 0 प्लस कॉस 0 डिग्री का मान 1 और 0 प्लस 1 हमें मिलेगा इसका मान 1। तो इससे हमें 1 प्राप्त हुआ है जो कि संबंध का दायां पक्ष है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए यह जो संबंध है वो सत्य है। चलिए अब बात करते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए। ये ले लेते हैं, बाएं पक्ष में फिर से इसका मान रखते हैं। अब थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इनका मान पुनः आप सारणी से ले सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। इन मानों को यहाँ रख दें तो हमें मिलेगा 1/2 प्लस √3/2 और इसको हल करने से हमें मिल रहा है 1 प्लस √3/2, क्योंकि यहाँ पे हर समान है जो कि 1 के बराबर नहीं है, यानी यह दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया। तो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर यह संबंध जो है वो सत्य नहीं हुआ, इसका मतलब यह संबंध जो है वो सर्वसमिका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने अभी देखा कि जो संबंध हमने लिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर संबंध सत्य है, परंतु थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर हमने देखा कि यह संबंध सत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम यह कहेंगे कि यह सर्वसमिका नहीं है, परंतु थीटा के किसी मान के लिए यह सत्य है। ऐसी स्थिति में इन संबंधों को कहा जाता है त्रिकोणमितीय समीकरण, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। यह संबंध सर्वसमिका नहीं है, परंतु चूंकि थीटा के कुछ मान के लिए यह सत्य है इसलिए यह कहेंगे कि यह त्रिकोणमितीय समीकरण है।
क्योंकि कोण के रूप में दिए गए चर के कुछ विशेष मानों के लिए कुछ त्रिकोणमिति संबंध यदि सत्य होते हैं तो इन्हें हम त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। हमने देखा कि थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए यह संबंध सत्य है, लेकिन थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए सत्य नहीं है। अतः हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 को सर्वसमिका नहीं कह सकते। कोण के रूप में दिए गए चर के कुछ विशेष मानों के लिए कुछ त्रिकोणमिति संबंध सत्य होते हैं, इन्हें त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। तब क्या हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 को त्रिकोणमिति समीकरण कह सकते हैं? हमने देखा कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए यह संबंध सत्य है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सत्य नहीं है। अतः साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 त्रिकोणमिति समीकरण है। करके देखें, दिए गए संबंधों में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मानों को रखिए और जांच कीजिए कि यह थीटा के किन मानों के लिए सत्य है। पहला, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। दूसरा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तीसरा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा। चौथा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। थीटा के जिन मानों के लिए त्रिकोणमिति समीकरण सत्य है वे मान त्रिकोणमिति समीकरण के हल कहलाते हैं। आइए अब कुछ त्रिकोणमिति समीकरणों को हल करें।